नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, अगर आपने पहले से ही उद्योग आधार बना के रखा है और अभी आपको वो उद्योग आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कराना है, वो आप कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बताने वाले हैं। जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों और वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उसके लिए सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र। और यहाँ पर दोस्तों पहले के जैसा हम उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल साइट है उसका लिंक यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं और उसे ओपन कर लेते हैं। जानकारी के लिए दोस्तों ये डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक डाल के हम रख देंगे, आप वहाँ से भी डायरेक्टली जाकर अपना उद्योग आधार को उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल साइट है वो ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन शो कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए हमें हमारा उद्योग आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम उसके लिए नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए यू कैन माइग्रेट टू उद्यम री रजिस्टर हियर का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक उसके नीचे देखिए दोस्तों फॉर दोज ऑलरेडी हैविंग रजिस्ट्रेशन एज यूएम का ऑप्शन है, मतलब हमें इसी के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है अगर हमें अपना उद्योग आधार को उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि हमने उस पर क्लिक कर लिया है दोस्तों, जैसे हम उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमसे हमारा जो उद्योग आधार नंबर है पहले जो हमारे पास अवेलेबल है वो यहाँ पे डालने के लिए बोला जा रहा है। तो हम यहाँ पर अपना उद्योग आधार नंबर यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ओटीपी सेंड करने के लिए हमारे सामने दो ऑप्शन शो कर रहा है। अगर हमें मेल आईडी पर ओटीपी चाहिए तो मेल आईडी सेलेक्ट करना है, अदरवाइज हमें अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे हम वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो उद्योग आधार है उससे रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाता है। अभी वो ओटीपी दोस्तों हम यहाँ पर प्रॉपर्ली फिल कर लेते हैं, और फिल करने के बाद वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम वैलिडेट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो उद्योग आधार है वेरीफाई हो जाता है, और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे सामने ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसे रीड कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए नीचे जो ऑप्शन लिखा हुआ है, देखिए डू यू वांट टू माइग्रेट फ्रॉम उद्योग आधार मेमोरेंडम टू उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो हम इसे यस कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों थोड़ा इसे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए हमारा पैन नंबर शो कर रहा है और बगल में टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है, तो इसे अच्छे से देख लेते हैं और वैलिडेट पैन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम अपना पैन वैलिडेट करते हैं तो यहाँ पे आईटीआर और जीएसटी से संबंधित कुछ सवाल पूछे गए हैं, तो हम इसे यस और नो में जवाब दे देते हैं। जैसा कि हमने जीएसटी नंबर नहीं लिया तो इसे नो कर लेते हैं, और आईटीआर वगैरह फिल किया तो इसे हम अपने हिसाब से यस करके सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। अभी नीचे की तरफ दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करने का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम यहां पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रॉपर्ली फिल कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर लिया है, तो अभी हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहां पर देखिए सोशल कैटेगरी का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने ओबीसी सेलेक्ट कर लिया, और जेंडर मेल, और स्पेशली एबल्ड में नो सेलेक्ट कर लेते हैं। और नीचे की तरफ देखिए हमारा जो यूनिट है वो पहले से शो कर रहा है, तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और यूनिट नेम भी यहाँ पर देखिए ऊपर दिख रहा है, तो भी हम यहाँ पर देखिए सब सेव है पहले से, तो हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारा जो बिजनेस नेम और एड्रेस शो कर रहा है ये सब सेम है, तो हमें इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। और बाकी नीचे जैसे स्क्रॉल करते हैं यहाँ पर देखिए नया ऑप्शन दिख रहा है, ऑफिस एड्रेस फिल करने के लिए बोल रहा है, तो हम यहाँ पर अपना ऑफिस एड्रेस फिल कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा जो ऑफिस एड्रेस है वही सेम एड्रेस रहेगा दोस्तों, तो हम हमारा जो एड्रेस ऊपर दिख रहा है तो हम उसे ही यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका बिजनेस एड्रेस और ऑफिस एड्रेस अलग अलग है तो यहाँ पर अपना ऑफिस एड्रेस फिल कर सकते हैं,
अदरवाइज़ अगर आपका भी बिजनेस एड्रेस और ऑफिस एड्रेस सेम है तो आप सेम एड्रेस कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों कॉपी पेस्ट करने में वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था तो हम इसे थोड़ा स्किप कर लेते हैं। अभी देखो हमारा जो कॉपी पेस्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमारा स्टेट महाराष्ट्र है तो यहाँ पर हम महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेते हैं। और आप भी दोस्तों अपने हिसाब से यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर बगल में देखिए डिस्ट्रिक्ट शो कर रहा है तो यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर देखिए हमारा थाने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो चुका है। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करते तो यहाँ पर देखिए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन शो कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो बिजनेस का जो डेट है इनकॉर्पोरेशन का वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर आपका प्रोडक्शन बिजनेस है तो यहाँ पर आगे आप वहीं अपना जो प्रोडक्शन बिजनेस कब से स्टार्ट किए हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर जैसा कि हमारा दोस्तों प्रोडक्शन बिजनेस नहीं है तो हम इसे नहीं के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए बैंक अकाउंट डिटेल मांग रहा है, तो हमारा जो अकाउंट डिटेल है यहाँ पर हम प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो बैंक नेम है यहाँ पर बैंक नेम, आगे IFSC कोड और अकाउंट नंबर यहाँ पर प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए मजोर एक्टिविटी ऑफ यूनिट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट कीजिए, अगर आप सर्विस देते हैं तो सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए गैर व्यापारिक और व्यापारिक का ऑप्शन है, तो इसमें हम व्यापारिक का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा जो बिज़नेस एक्टिविटी है वो सारा यहाँ पर शो कर रहा है। अगर हमें कोई एक्स्ट्रा जो एक्टिविटी है वो ऐड करना है तो यहाँ से हम एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा जो पूरा डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा है वो सब बराबर है, तो हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, तो नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारा जो एम्प्लॉई वर्किंग है कितने उसका डिटेल्स मांग रहे हो, तो यहाँ पर हम प्रॉपरली वो भी फिल कर लेते हैं और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए पॉल्यूशन कंट्रोल पर हमने कितना एक्सपेंस किया है वो भी यहाँ पर फिल कर लेते हैं। आप भी अपने हिसाब से यहाँ पर अपना अमाउंट फिल कर लीजिएगा। और यहाँ पर ई मार्केट वगैरह में चाहिए तो हम इसे यस कर लेते हैं और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हमारे सेलेक्ट कर लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए कुछ हमसे छूट गया था तो यहाँ पर एरर आ गया, तो दोबारा से उसे सही करके सबमिट एंड गेट फाइनल OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे कंफर्म ओके पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो रजिस्टर्ड नंबर है आधार कार्ड से उस पर OTP आ जाता है, वो OTP यहाँ पर हम प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर OTP प्रॉपरली फिल कर लिया है और यहाँ पर नीचे जो कैप्चा दिख रहा है वो भी अच्छे से फिल कर लेते हैं और फाइनल सबमिट बटन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम फाइनल सबमिट करते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है हमने जो डिटेल डाला वो बराबर कि नहीं, हम इसे ओके कर लेते हैं। जैसे हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, योर उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर इज, यहाँ पर देखिए हमारा उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर भी शो कर रहा है, तो इसे हम ओके कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम ओके बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अभी दोस्तों हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि आगे हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों हमारा जो उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट उसका प्रिंट निकालने के लिए ऊपर प्रिंट और वेरीफाई के ऑप्शन पर प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन दिख रहा है उस ऑप्शन पे हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम प्रिंट उद्यम सर्टिफिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमसे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पर हमारा जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर हमने जो कॉपी किया था वो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए नीचे यहाँ पर OTP के लिए हमारे सामने दो ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर हमें मेल ID पर OTP चाहिए तो मेल ID सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर हमें मोबाइल नंबर पर ही OTP चाहिए तो मोबाइल नंबर सेलेक्ट करके वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो चलते दोस्तों हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं और OTP के लिए जैसा कि हमें मोबाइल नंबर पर ही OTP चाहिए तो वो ऑप्शन सेलेक्ट करके वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम वैलिडेट एंड जनरेट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमने डाला था उस नंबर पर एक OTP आ जाता है,
तो वो ओटीपी हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। दोस्तों ओटीपी फिल करने के बाद जैसे ही हम वैलिडेट ओटीपी एंड प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है वो ओपन हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपने उद्योग आधार को उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं ऐसे किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।